जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसे विज्ञान ने सिद्ध कर दिया इस बात के लिए। इसलिए पीपल का वृक्ष भगवान उनकी बात याद दिला देता है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा इंतजाम की गर्दी, भगवान बुद्ध को लोट करने के लिए मुहावरे बना दिए कि लोट के बुद्धू घर को आए। अरे बुद्धू घर को कैसा आ जाएगा, बुद्धू घर को नहीं आया था, भगवान बुद्ध घर वापस आए थे। सिद्धार्थ गौतम ने जब अपना घर 29 साल की अवस्था में छोड़ा था तो 7 साल बाद भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद वापस आए तो मुहावरा क्या था इस देश के अंदर कि जान बची और लाखों पाए, जान बची और लाखों पाए पर गए बुद्ध घर को आए। ये मुहावरा भारत के अंदर साधु 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 इन्होंने अफवाह फैला दी कि लोट में बुद्ध घर को आए, बुद्ध घर को, बुद्ध घर को नहीं आया था, बुद्ध घर वापस आए। तो साथियों भाइयों बहनों और बच्चों, ये इसलिए बातें बताई जा रही हैं कि आप आने वाले समय में इस देश में लाइन क्या बनेंगे, नौकर बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे, तो पहले आपको इसका ज्ञान का भान रहना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई पर जोर दो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जितना भी ज्यादा हो सकती है उसे लिखाने पढ़ाने का काम हमारे समाज के लोग करेंगे तो क्रांति ज्यादा तेजी से बढ़ती चली जाएगी। लेकिन होशियार रहने की जरूरत है। आज बाबा साहब का जो पहला नारा है शिक्षित बनो, इसको ही खराब किया जा रहा है। पहले भैया बोलेंगे नहीं, जरा शांत रह जाए। पहले गांव में सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल में सब बिरादरी के बच्चे पढ़ते थे, मास्टर पढ़ाते थे, हमारे समाज के लोग पीछे बैठते थे। लेकिन पीछे बैठने के बाद भी हमारे समाज के लोग बड़े बड़े पदों के अधिकारी बने। आज इन स्कूलों में कौन पढ़ रहा है, सरकारी स्कूलों में या तो हमारे एससी के बच्चे हैं, या गरीब मुसलमानों के बच्चे हैं, या बहुत गरीब हैं, वो समाज केवल हमारे शिक्षा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार ने एक नियम बना दिया कि कक्षा 8 तक किसी को फेल मत करो, यानी